देखिए, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है प्रयागराज में मंडलायुक्त के तौर पर काम करना। मैं सर्वप्रथम ईश्वर ने मौका दिया है और वर्तमान शासन ने मौका दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्वास जताया यहाँ पे पोस्ट करने का प्रयागराज जैसी जगह पे। तो मैं सभी को धन्यवाद ईश्वर को और माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहता हूँ। और ये बात सही है कि 2025 में एक महाउत्सव जो कुंभ का, जो कि एक इंटरनेशनल स्तर का आयोजन होता है, वो यहाँ पर होगा, वो मेरी प्राथमिकता में रहेगा। तो मैंने आज आपसे प्रथम संवाद किया है, तो उसमें मैं यहाँ काफ़ी समस्याओं से रूबरू हुआ हूँ और जो कुंभ के दृष्टिगत भी हैं और यहाँ नगर में जो और दैनिक व्यवस्थाएं हैं, जो और चलन है, उसके बारे में मुझे यहाँ पर जानकारी मिली है। तो कुंभ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी मिली है, नई आवश्यकताओं के बारे में जानकारी मिली हुई है, कैसे करना है, कैसे उसको एक एस्थेटिक वो देना, टच देना है, और वो सब के बारे में डिटेल प्लानिंग की जाएगी और उसको धरातल पे लाया जाएगा। इसके अलावा जो आपने मेरी प्राथमिकताओं के बारे में पूछा है, जो वर्तमान शासन की जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे कि अभी मुझे जानकारी मिली कि यहाँ पे अभी आपने बताया है कि जो अभी अमृत सरोवर वाली योजना है, या जो अभी बिल्कुल निकट भविष्य में हमारा जो एक जो झंडे के बारे में जो कार्यक्रम, हर घर में जो तिरंगा वाला कार्यक्रम है वो होना है, वो मेरी शॉर्ट टर्म प्राथमिकताओं में रहेगा। नगर की और समस्याओं के बारे में, सड़कों के बारे में, पुलों के बारे में, मेडिकल कॉलेज की समस्याओं के बारे में और पार्क की समस्याओं के बारे में मेरी जानकारी में आया हुआ है। तो इन सभी को संज्ञान में लेते हुए प्रयास रहेगा कि इनको प्रायोरिटाइज करके और इनको इनका निरीक्षण करना चाहिए। सर, एक सवाल ये है कि जो डीडीए का ऑफिस है उसके इंदिरा भवन जिस बिल्डिंग में, उसके नक्शे को लेकर हाईकोर्ट लगातार जो है, क्योंकि आपने अभी ज्वाइन किया है, उसके लिए कई डेट पे जो अधिकारी हैं संबंधित उनको तलब कर चुका है, बावजूद इसके नक्शा नहीं मिल पा रहा है, क्या वजह क्योंकि ये मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। तो और माननीय उच्च न्यायालय में मैं गया था और मैं चाहूँगा कि मैं उसको माननीय उच्च न्यायालय को ही बताऊँ। ठीक है, थैंक यू।